नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। आज बनाने जा रहे हैं मटर पनीर मसाला। सबसे पहले तेल को लिया 1.5 कप्स। तेल में हमने डालने सूखे मसाले, जिनमें हमने इस्तेमाल किया है इलायची छोटी और बड़ी और ग्रीन चिलीज और थोड़ा लौंग, एक जावित्री, और इन सबको हमने हल्का भून लेना है। हल्का भूनने के बाद इसमें हमने 2 चॉप्ड अनियंस डाले हैं। अनियंस थोड़े बड़े थे, हमने चॉप किया है, इसको हमने डाल दिया है। डालने के बाद इसे हमें अच्छे से इसको मिक्स करना है। मिक्स करते हुए तब तक इसे मिक्स करते जाना है और चलाते हुए जाना है जब तक ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। दोस्तों, ये बात इम्पॉर्टेंट है कि गोल्डन ब्राउन हम इसलिए करते हैं ताकि इसमें एक अच्छा टेक्स्चर और अच्छा कलर आ सके। तो इसलिए हमें इसे गोल्डन ब्राउन करना बिल्कुल ज़रूरी है। अब देखिए, प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है तो हमने इसमें टमाटर और ग्रीन चिली का एक पेस्ट डाला है और इसको अब हमने चलाना है। इसको हम चलाते रहेंगे तब तक जब तक तेल हमारा इस मसाले से अलग होना शुरू ना हो जाए। तो अभी हमने इसको चलाते रहना है, तब तक थोड़ा हमें याद रखना है कि ये जले नहीं, तो इसलिए हमें इसको देखते रहना है और इसको चलाते रहना है। चलाते चलाते कुछ देर बाद आप देखोगे कि ऑयल सेपरेट होना शुरू हो चुका है, जैसा हम अभी देख सकते हैं। अब हमने डाले क्रश्ड गार्लिक। सो क्रश्ड गार्लिक इसमें डाल दिया, बस दरदरा उसको पीसा है गार्लिक को और इसमें डाल दिया है। अब हमने इसको मिक्स किया, मिक्स करके हमें इसे चलाना होगा और हमें इसे तब तक चलाना होगा जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए। जैसा कि अभी है, ऑयल सेपरेट हो गया, तब हमने इसमें डाले हैं मसाले। मसाले हमने 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून मिर्ची पाउडर, 2 टेबलस्पून धनिया। उसके बाद हमने इसको चलाना है, इसको हम थोड़ा सा चलाएंगे। तब तक इसमें चलाना है जब तक इसमें अब मसाले बिल्कुल भुन न जाए। मसाले भुनना उतना ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों जितना उसके कलर के लिए। स्वाद के अनुसार हमने इसमें डाल दिए नमक। नमक हमने थोड़ी ग्रेवी लगानी है तो थोड़ा ज़्यादा गया है। अब देखिए, जैसा आप देख सकते हैं तेल बिल्कुल अलग हो गया है मसाले से। अब ये टाइम है, इसमें हम थोड़ा और चलाएँगे क्योंकि थोड़ा और टेक्स्चर तो थोड़ा भी बचा रहे, वो सब पूरा हो जाए और बिल्कुल बढ़िया सा कलर आ जाए इसमें। तो थोड़ा और चलाते हैं। ठीक है दोस्तों, सो मसाला हमारा बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो गया है। देखिए, बिल्कुल भुन गया है, मसाले में कोई कच्चापन नहीं है, बिल्कुल भुन के रेडी हो गया है। अब हमने दही को हमने फेंट लिया है, वो दही इसमें ऐड करी है। अब इसमें ऐड करके आँच हमने कर लिया है लो आँच करके इसको अब चलाना है हमने दही को। दही तो हमने डाली है बट दही का खट्टापन नहीं आएगा दोस्तों, बिल्कुल उसका खट्टापन नहीं आएगा और वो बस एक टेस्ट एनहेंसर है, आपके टेस्ट को इंक्रीज करेगा, तो इसलिए हमने वो दही डाला हुआ है। अब ये दही को हम मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स करते हैं थोड़ी देर, तो थोड़ी देर इसको चलाते रहेंगे। अभी लगभग रेडी है, तो हम इसमें डालते हैं मटर। हमारे पास सफल मटर था तो वो सफल मटर हमने इसमें ऐड करना है। तो हमने लगभग 1 कप सफल मटर लिया है, इसको हमने ऐड किया इस मसाले में, एक अच्छा सा स्टर दिया ताकि वो मटर जो है मसाले में मिक्स हो पाए और थोड़ा बहुत उसका फ्लेवर जो है मटर में आ सके, ताकि मटर ऐसे फ्लेवरलेस स्वाद, मसालों का स्वाद उसमें आ सके एक्चुअली। और फिर हमने पनीर को कर लेना है फ्राई, तो हमने लिया बटर, बटर में पनीर को डाल दिया पनीर को फ्राई होने के लिए, और इधर हमारा मटर भी उसके साथ मसालों के साथ भुन रहा है। अब हमारा पनीर बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो उसको हम डालने वाले हैं इस मटर में। अब मटर में बटर भी आ गया और पनीर भी आ गया, तो अब इसको हमने एक अच्छा सा स्टर देना है, एक बार अच्छे से चला लेते हैं। तो देखिए, तेल बिल्कुल अलग हो गया और क्या कलर आ गया दोस्तों। अब हमने थोड़ा उसमें पानी डाला क्योंकि हमें थोड़ी ग्रेवी बनानी थी, अब पानी डाल के हमने चला दिया है। दोस्तों, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी इसकी कि मैं आपको बता नहीं सकता, काश मैं आपको दिखा सकता या फिर कैसे भी पता कर सकता कि कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। इतना अमेजिंग टेस्ट होगा इसका, मैं बता नहीं सकता आपको दोस्तों। तो थोड़ी देर में ये तेल भी बाहर आ जाएगा और फिर हमारा मटर पनीर बिल्कुल लगभग रेडी हो जाएगा। तो ऐसे हमारा मटर पनीर मसाला बिल्कुल रेडी है, तो आप भी ट्राई कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कैसा लगा। धन्यवाद।